आम खबर से अगर करें, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कराची बंदरगाह का दौरा किया। वज़ीर आज़म को बंदरगाहों और पाकिस्तान शिपिंग कॉरपोरेशन की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई है। मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ कराची आज न्यूज़ इख्तदार अनवर से। इख्तदार अनवर, अपडेट कीजिएगा। आपको आपसे कुछ देर कौन, वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने कराची पोर्ट ट्रस्ट का दौरा किया, जहाँ पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान को नेशनल फ्लैग कैरियर और पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आज़म ने इस मौके पर कहा कि पाकिस्तान जोग्राफियाई एतबार से बहुत अहम है और बंदरगाहों पर जदीद निजाम लगाकर लाखों डॉलर मुनाफा जो कमाया जा सकता है। पोर्ट कस्टम केपीडी पर जदीद मशीनरी की तनसीब का अमल जारी है। उन्होंने इस मौके पर जो कस्टम की क्लियरेंस है उसके तरीकार को भी चेक किया। बंदरगाहों पर लगाए गए स्कैनर से मुतालिक भी ब्रीफिंग ली। वज़ीर आज़म ने केपीटी पर बिला तातुल सामान की तरकीब को यकीनी बनाने के लिए और पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन के जो जहाज हैं उनकी खरीदारी के सिलसिले में भी उनको ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आज़म ने इस मौके पर गहरी दिलचस्पी का इजहार किया और लियारी एक्सप्रेस वे को कार्गो ट्रैफिक के लिए 24 घंटा खुला रखने की जरूरत पर जोर दिया। उनको बताया गया इस वक्त हैवी ट्रैफिक जो है वो लियारी एक्सप्रेस वे पर नहीं चलती, तो वज़ीर आज़म ने इस बात का इजहार किया है कि इस वक्त यकीनी बनाया जाए कि लियारी एक्सप्रेस वे को 24 घंटे खोल के सामान की। ठीक है, बहुत शुक्रिया। तफ़सीलात से आपने किया।